दोस्तों, हीरो कंपनी ने अपनी सबसे पॉपुलर और सक्सेसफुल बाइक हीरो स्प्लेंडर प्लस को एक नए कलर के साथ मार्केट में लॉन्च किया है, जो कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। ये है हीरो स्प्लेंडर प्लस 2021 BS6 वेरिएंट, जो कि आपको अब एक नए कलर में देखने को मिलेगी, एक नए अंदाज में देखने को मिलेगी। और ये बिल्कुल फ्रेश और न्यू कलर है जो कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। पूरी की पूरी बाइक आपको गोल्डन कलर की देखने को मिलेगी, यानी सुनहरे रंग की देखने को मिलेगी। तो ये काफी ज्यादा प्रीमियम और खूबसूरत लग रहा है, मतलब एकदम आई कैचिंग कलर हीरो कंपनी ने अपनी स्प्लेंडर प्लस में लॉन्च किया है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि इसमें आपको कुछ नए चेंजेस भी देखने को मिलने वाले हैं। इसमें आपको हीरो एक्सेंस टेक्नोलॉजी भी देखने को मिल जाएगी और उसके साथ ही कई नए अपडेट देखने को मिल जाएंगे, जिसके बारे में आज हम पूरा विस्तार से बात करेंगे। तो A to Z हम सारी चीजें आपको बताएंगे, तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि हम इसमें आपको इसकी एक्सोरूम और ऑन रोड दोनों ही प्राइस बताएंगे, तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा कि अब आपको इस बाइक के लिए कितने पैसे पे करने पड़ेंगे। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आमोद कुमार और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल राइडर एकेडमी। दोस्तों, वीडियो पसंद आए, हमारी मेहनत अच्छी लगे तो अपनी तरफ से एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, ताकि आपको हमारे वीडियोस का अपडेट लगातार मिलती रहे। तो स्क्रीन पे आपके सामने है 2021 वेरिएंट हीरो स्प्लेंडर प्लस का BS6 वेरिएंट, और जो स्क्रीन पे आप कलर देख पा रहे होंगे, ये एकदम न्यू कलर लॉन्च किया गया है हीरो कंपनी की तरफ से, जिसका नाम है मैट शील्ड गोल्ड कलर। इसमें आपको पूरी की पूरी बाइक गोल्डन कलर की देखने को मिलेगी, यानी सुनहरे रंग देखने को मिलेगी। तो ये काफी प्रीमियम और काफी ज्यादा खूबसूरत लगता है, तो इसे आप गोल्डन एडिशन भी कह सकते हैं, क्योंकि पूरी की पूरी बाइक आपको गोल्डन कलर की देखने को मिलेगी। तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये कलर वेरिएंट कितना ज्यादा पसंद आता है। चलिए बात करते हैं हम सबसे पहले इसके प्राइस की, क्योंकि आप सभी का पहला सवाल होता है, तो गौर से सुनिएगा। इसकी जो एक्स शोरूम प्राइस है वो आपको 68,550 रुपीज, यानी 68,550 रुपए देखने को मिल जाएगी एक्स शोरूम प्राइस इलाहाबाद प्रयागराज की। इसकी जो ऑन रोड प्राइस है वो हम आपको आगे की वीडियो में बताते हैं, और चलिए स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले इसके स्पेसिफिकेशन से, और बीच बीच में हम आपको इसमें हुए चेंजेस को भी बताते रहेंगे। तो फ्रंट से हम शुरू करते हैं, तो फ्रंट में जो आपको ब्रेक मिलता है, यहाँ पे आपको 130mm का ड्रम ब्रेक IBS ब्रेकिंग सिस्टम के सपोर्ट के साथ मिलता है, यानी इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम, तो आपका ब्रेकिंग काफी ज्यादा बेहतर हो जाता है। वहीं फ्रंट टायर की बात करें, तो फ्रंट में आपको हमेशा की तरह 80x100 का 18 इंच का ट्यूबलेस टायर देखने को मिलेगा। यहाँ फेंडर पे आपको साइड रिफ्लेक्टर भी देखने को मिल जाता है, और IBS यानी इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम की बैचिंग भी देखने को मिल जाती है, जो कि आपको स्टिकरिंग में देखने को मिलेगी। और सस्पेंशन आपको टेलीस्कोपिक हाइड्रोलिक शॉक अब्सॉर्बर देखने को मिलेगा, तो सस्पेंस क्वालिटी आपको बेहतर मिलती है हमेशा की तरह। तो इसमें फ्रंट से आपको कोई नया चेंज देखने को नहीं मिलेगा। अगर हम इसके हेडलैम्प की बात करें, तो इसमें आपको 35x35 वाट का हैलोजन बल्ब देखने को मिल जाता है। तो ये थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है, क्योंकि सारी बाइक में लगभग अब आपको LED लाइट देखने को मिलती है, बट यहाँ पे अभी भी आपको हैलोजन बल्ब देखने को मिलता है। तो मेरे ख्याल से हीरो कंपनी को यहाँ पे थोड़ा सा इसके हेडलैम्प पे ध्यान देना चाहिए था, यहाँ पे आपको LED बल्ब प्रोवाइड कराना चाहिए था, बट कोई बात नहीं गाइस, 35x35 वाट हैलोजन बल्ब की भी विजिबिलिटी आपको काफी ज्यादा बेहतर देखने को मिल जाएगी। तो इसके विजिबिलिटी को लेके आपको कोई शिकायत नहीं होने वाली है। जो इसके इंडिकेटर है वो आपको रेगुलर डिजाइन के मिलेंगे, जिसमें आपको बल्ब वाले इंडिकेटर देखने को मिलेंगे, और इसमें आपको फ्लेक्सिबिलिटी भी देखने को मिल जाती है। फ्रंट से जो इसका लुक है वो आपको एकदम सिंपलिस्टिक देखने को मिलेगा, कोई आपको ग्राफिक्स देखने को नहीं मिलेगा। ऊपर आपको हीरो स्प्लेंडर प्लस की स्टिकरिंग देखने को मिल जाएगी, ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी, जो कि आपको स्टिकर्स में देखने को मिलेंगे। तो फ्रंट में आपको कोई एक्स्ट्रा ग्राफिक देखने को नहीं मिलता है, यहाँ पे आपको पूरी की पूरी बाइक विदाउट ग्राफिक्स के साथ देखने को मिलेगी, तो इससे इसकी खूबसूरती और ज्यादा बढ़ जाती है। मीटर कंसोल की बात करें, तो मीटर कंसोल आपको हमेशा की तरह एनालॉग मीटर कंसोल देखने को मिलता है, जिसमें आपको ओडोमीटर, टैकोमीटर, फ्यूल इंडिकेटर, ये सारी चीजें आपको एनालॉग देखने को मिलती है। और साथ ही साथ इसके मीटर कंसोल में आपको साइड स्टैंड इंडिकेटर, I3S इंडिकेटर, न्यूट्रल इंडिकेटर और FI लाइट का इंडिकेटर देखने को मिल जाता है। तो मीटर कंसोल में भी आपको कोई खास नया चेंज देखने को नहीं मिलेगा। जो नया चेंज अब आपको मिलेगा वो मैं आपको दिखाता हूँ फोकस करके, कि इसके मीटर कंसोल के जस्ट बगल में आपको यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आपको एक USB केबल चार्जिंग पोर्ट देखने को मिल जाता है, जिससे कि आप USB केबल के सहारे इसमें अपने स्मार्टफोन को लगा के अपने स्मार्टफोन को चार्ज कर पाएंगे। तो ये इसका मेन चेंज है आपको जो इसके मीटर कंसोल के साइड में देखने को मिलेगा। तो ये इसका एक नया अपडेट है कि अब आपको यहाँ पे चार्जिंग की भी सुविधा देखने को मिल जाएगी। तो ये काफी सही चीज है, आप इजीली अपने स्मार्टफोन को बाइक चलाते हुए भी यहाँ पे चार्ज कर पाएंगे, तो ये काफी सही लगा मुझे। वहीं अगर हम स्विचिंग क्वालिटी की बात करें, तो स्विचिंग क्वालिटी आपको हमेशा की तरह वैसे ही मिलेगी, लो बीम, हाई बीम, साइड इंडिकेटर स्विच और हॉर्न स्विच देखने को मिल जाता है, तो स्विचिंग क्वालिटी भी आपको ठीक ठाक देखने को मिल जाती है। जो इसके मिरर है वो आपको रेगुलर डिजाइन के मिलेंगे, सिंपलिस्टिक डिजाइन में आपको देखने को मिलेगा। वहीं राइट हैंडल बार पे आपको I3S स्मार्ट स्विच के साथ पावर सेल्फ स्टार्ट स्विच देखने को मिल जाता है। स्विचिंग क्वालिटी में आपको कोई खास नया चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा, स्विचिंग क्वालिटी आपको पहले की तरह ही बेहतर स्विचिंग क्वालिटी देखने को मिल जाएगी। उसके बाद अगर हम बात करें इसके फ्यूल टैंक की, तो फ्यूल टैंक कैपेसिटी इसमें आपको 9.8
8 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिल जाएगा और टैंक के साइड में आपको 3D एम्बल्ड क्रोम फिनिश के साथ हीरो की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है जो कि इसके लुक को और भी ज्यादा बेहतर बनाती है। और टैंक पे आपको एक्स्ट्रा कोई भी ग्राफिक्स देखने को नहीं मिलता है, ये अपग्रेडेड है, यानी आप इस पे अपने हिसाब से कोई भी ग्राफिक्स यूज कर सकते हैं जो इसके सुंदरता को और ज्यादा बढ़ा देते हैं। बट मैं अगर अपनी बात कहूं तो मुझे ये ऐसे ही ज्यादा पसंद आ रही है, तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको ग्राफिक्स के साथ ये ज्यादा पसंद आएगी या फिर आपको विदाउट ग्राफिक्स के साथ पसंद आ रही है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको कॉर्बेटर देखने को नहीं मिलता है। जैसा कि आप जानते हैं कि BS6 की सारी बाइक में आपको कॉर्बेटर नहीं मिलता है, यहाँ पे आपको प्रोग्राम्ड FI सिस्टम देखने को मिलता है, तो इससे आपका जो माइलेज है वो पहले से थोड़ा सा बढ़ जाता है। और इसमें आपको मिल जाता है हीरो एक्सेंस टेक्नोलॉजी, जिसके अंतर्गत कई सारी चीजें आती हैं और कई सारे फीचर्स आते हैं जो कि मैं आपको बता दे रहा हूं कि एक्सेंस टेक्नोलॉजी के अंदर आपको इंजन कट ऑफ एट फॉल सिस्टम देखने को मिल जाएगा, यानी आपकी बाइक अगर गिर जाती है तो अपने आप इसका इंजन बंद हो जाएगा। प्रिसाइज फ्यूल कंजप्शन देखने को मिल जाता है, फ्यूल इफिशियंसी आपकी पहले से और ज्यादा बेहतर हो जाती है। इंस्टेंट पिकअप देखने को मिल जाता है, इजी अप हिल क्लाइंबिंग देखने को मिल जाती है, यानी आप आसानी से किसी भी ऊंचाई वाली जगह पे आप इसको राइड कर पाएंगे, चढ़ा पाएंगे। हाई टेम्परेचर कंट्रोल आपको मिल जाता है, यानी आपकी बाइक ज्यादा हीट होती है तो वो आपके हीटिंग को कंट्रोल करता है। बेटर पुलिंग पावर, वेयरिंग लोड्स देखने को मिल जाता है, यानी आप अगर बाइक पे बहुत ज्यादा लोड रखते हैं तब भी आपको पावर काफी ज्यादा बेहतर मिल जाती है। और इसके साथ आपको मिल जाता है ऑल वेदर इजी स्टार्ट, तो आप किसी भी सीजन में इसे स्टार्ट करेंगे तो ये इजीली स्टार्ट हो जाती है। तो ये सारे फीचर्स आपको हीरो एक्सेंस टेक्नोलॉजी के अंदर आते हैं जो कि आपको इस बाइक में मिलने वाला है। तो आपकी फेवरेट स्प्लेंडर प्लस पहले से और भी ज्यादा बेहतर अब हो चुकी है। बात कर लेते हैं थोड़े से इसके इंजन की, तो इसमें आपको 97.2 सीसी का 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड BS6 इंजन देखने को मिलता है। जो मैक्स पावर मिलती है वो आपको 7.91 BHP की मिलती है 8000 RPM पे, और जो मैक्स टॉर्क मिलता है वो आपको 8.05 न्यूटन मीटर का मिलता है 6000 RPM पे। तो पावर और टॉर्क आपको काफी बेहतर मिल जाता है। वहीं जो आपको ट्रांसमिशन मिलेगा वो आपको 4 स्पीड गियर बॉक्स देखने को मिल जाते हैं, यानी 4 गियर में आपको पूरी बाइक देखने को मिल जाती है। साइड स्टैंड में आपको इंजन कट ऑफ सिस्टम देखने को मिल जाएगा, यानी आपका स्टैंड लगा रहेगा तो आपकी बाइक स्टार्ट नहीं होगी। और ये हीरो में बहुत पहले से आ रहा है ये टेक्नोलॉजी, तो ये काफी सही चीज है। और वहीं अगर हम सिटिंग कंफर्ट की बात करें तो सिटिंग कंफर्ट आपको हमेशा की तरह बेहतर ही देखने को मिलेगा। फ्लैट सीट देखने को मिलती है, तो इसके सिटिंग कंफर्ट में कभी कोई शिकायत नहीं आती है। अच्छी बात यह है कि इसमें आपको साड़ी गार्ड प्री इंस्टॉल देखने को मिलता है, तो आपको बाहर से लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। और यहाँ पे आपको मिल जाता है कि स्ट्रॉन्ग ग्रैब रील, जिसमें आपको कैरियल भी देखने को मिल जाता है स्टेनलेस स्टील कलर में। तो यहाँ पे आप अपने किसी भी सामान को रख के, किसी भी लगेज को रख के आप इसमें इजीली बांध सकते हैं, तो आपका लगेज गिरता नहीं है, ये काफी सही चीज है। वहीं अगर हम इसके टेल लैंप की बात करें तो इसमें आपको बल्ब वाला टेल लैंप देखने को मिलता है एक रेगुलर डिजाइन में, और जो इसका साइड इंडिकेटर है रियर का वो भी आपको बल्ब वाला देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे आपको नंबर प्लेट लगाने की जगह दी गई है आपके इसके फाइबर फेंडर पे ही, तो इस चीज का गौर कीजिएगा कि आपका नंबर प्लेट टूटने ना पाए, नहीं तो आपके फेंडर को भी तोड़ देगा। रियर सेक्शन में अगर हम रियर ब्रेक की बात करें तो रियर में आपको 130 mm का ड्रम ब्रेक देखने को मिलेगा, तो आगे और पीछे दोनों में ही आपको 130 mm का ड्रम ब्रेक देखने को मिलता है। और जो रियर का टायर है उसकी भी साइज आपको 80x118 इंच की ट्यूबलेस टायर देखने को मिलेगी। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे टायर की साइज लिखी हुई है, इसमें आपको 80x100 का 18 इंच का ट्यूबलेस टायर देखने को मिलता है। रियर का जो सस्पेंशन है वो आपको 5 स्टेप एडजस्टेबल हाइड्रोलिक शॉक अब्सॉर्बर देखने को मिल जाएगा, तो सस्पेंस क्वालिटी काफी बेहतर मिलती है। और यह है इसका एग्जॉस्ट, जिसपे आपको स्टेनलेस स्टील का आपको मफलर कवर देखने को मिल जाता है, तो ये आपके जूते को काफी अच्छे से प्रोटेक्ट करता है साइलेंसर से जलने में। तो आपके जूते को काफी अच्छे से प्रोटेक्ट करता है, आपका जूता साइलेंसर से जलता नहीं है। और यहाँ साइड पैनल पे आपको स्प्लेंडर प्लस की ब्रांडिंग मिल जाती है, और नीचे आपको I3S की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। और यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको ब्रेक पैडल पे साइड में आपको एक गार्ड देखने को मिल जाता है, तो ये भी काफी सही चीज है कि आपका पैर स्लिप होके आपके साइलेंसर से टच नहीं होता है, तो ये काफी सही चीज है। और उसके सामने आप देख पा रहे होंगे ये है कैटलिटिक कन्वर्टर, जो कि BS6 की सारी बाइक में आपको देखने को मिल जाती है। वहीं टैंक के दोनों ही साइड आपको हीरो की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है 3D एम्बल्ड क्रोम फिनिश के साथ में, तो ये इसके लुक को और भी ज्यादा बेहतर बना देता है। तो लगभग ये सारी चीजें हो गई। लास्ट में बात कर लेते हैं इसके डायमेंशन की, तो इसकी जो लंबाई है वो आपको 2000 mm, चौड़ाई 720 mm, हाइट 1052 mm, सीट हाइट 785 mm, व्हील बेस 1236 mm, ग्राउंड क्लियरेंस 165 mm, और जो इसका कर्व वेट मिलेगा वो आपको 112 kg का देखने को मिल जाएगा, यानी 112 kg की आपको पूरी बाइक देखने को मिल जाएगी। और लास्ट में अब हम बात कर लेते हैं इसके प्राइस की, तो इसकी जो एक्स शोरूम प्राइस है वो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। इसकी एक्स शोरूम प्राइस आपको 68,550 रुपीज, यानी 68,550 रुपए देखने को मिलेगी एक्स शोरूम प्राइस इलाहाबाद प्रयागराज की। वहीं जो इसकी कंप्लीट ऑन रोड प्राइस बनेगी वो आपको 81,444 रुपीज देखने को मिल जाएगी, यानी 81,444 रुपए देखने को मिल जाएगी कान्हा मोटर इलाहाबाद प्रयागराज में। तो ये थी इस बाइक के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, बट
अगर अभी भी आपका कोई डाउट बचता है तो आप हमें कमेंट करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में कुछ नए फ्रेश अपडेट के साथ, तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को जय हिंद जय भारत।